देख आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑफिशियल लिंक दे रखे हैं इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए, तो और ये सभी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी लिंक का जो URL है वो मिल जाएगा। आप सभी लिंक से जुड़ सकते हैं और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव से पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं, जहां पर आपको एवरी टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मटेरियल और नोटिफिकेशन मिलेगा। सो चलिए आज की वीडियो की ओर चलते हैं। हालांकि आप लोगों के सामने DSSS पैटर्न की एग्जाम पैटर्न की जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। यहां पर कंटिन्यू सीरीज के अकॉर्डिंग मैं Part 3 लेकर आई हूं और 2 सीरीज हमारी ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुकी है और लास्ट सीरीज में मैंने हिंदी और इंग्लिश को कवर किया था। वहां के एग्जाम पैटर्न जो हमारा DSSS का जो एग्जाम है उसके पैटर्न को डिस्कस किया था इंग्लिश और हिंदी में, और जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश वहां पर उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा जर्नल अवेयरनेस, उसके Part 3 को मैं यहाँ पर कवर करूंगी और उससे रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, NRI डे इज ऑब्जर्व ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। जो NRI डे है हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन डे यानी कि राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा D1 इज करेक्ट आंसर, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन से शहर में और कौन से राज्य में हमारा जो वानखेड़े स्टेडियम है वो स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा A1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में जो ये स्टेडियम है वानखेड़े ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का नाम बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेशनल पीपल्स असेंबली, सेकेंड ऑप्शन है फेडरल पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है पीपल्स असेंबली एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा B1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि फेडरल पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम सागर डैम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी या कौन से राज्य में स्थित है हमारा निजाम सागर डैम, जो ये बांध है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी स्टेट में स्थित है ये बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा B1 इज करेक्ट आंसर, तेलंगाना में, तेलंगाना में और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो ये क्वेश्चंस जो हमारी कैपिटल से रिलेटेड होते हैं ये भी काफी इजी वे में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज रखना है अपने माइंड में, यानी कि टिप्स पर लर्न रखना है उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो ये हमारा पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, यानी कि ऊर्जा संयंत्र से हमारा रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा A1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है या कौन सी है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, पहला ऑप्शन है पैसो, सेकंड ऑप्शन है कैडी, थर्ड ऑप्शन है रुपया एंड लास्ट वन इज कोरोना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा C1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि रुपया, रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। और ये भी क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आपको टिप्स पर लर्न होने चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया तो यहाँ पर एक कॉमन जगह का नाम आ चुका है, क्योंकि ये हम कई बार सुन भी चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर मिलते हैं, टोक्यो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, तो जो हमारे आजकल करंट है वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको टिप्स पर लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाबेल बे नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या UT, यानी कि कौन से राज्य में या यूनियन टेरिटरी में चंपाबेल बे नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा B1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड में ये नेशनल पार्क स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉट नाच, रॉट नाच इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रॉट नाच है वो हमारा कौन सी राज्य का फोक डांस है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ का फोक डांस है और काफी फेमस है, और किसी भी फेस्टिवल पर या कोई ऐसा फंक्शन इवेंट होता है वहां पर इस नृत्य को काफी अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो तुंगभद्रा डैम है, बांध है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो नाइन क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सी वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि कर्नाटका, कर्नाटका में स्थित है। और आपको जो पर्टिकुलर डैम से रिलेटेड है, चाहे वो बिहार हो चाहे किसी भी अदर स्टेट में, जो जितनी भी डैम्स बनी हुई है हमारी रिसेंटली जो करंट में चल रही है, उनको आपको लर्न करना बहुत जरूरी होगा हमारे DSSSB के एग्जाम के लिए, क्योंकि यही हमारी जनरल अवेयरनेस को स्ट्रांग बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी स्टेडियम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो कल्याणी स्टेडियम है वो कौन से शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, पहला है हिसार, सेकंड है इलारू, थर्ड है दिल्ली एंड लास्ट वन इज कोलकाता। तो ये है हमारा कोलकाता में, यानी कि डी वन इज करेक्ट आंसर, कोलकाता में स्थित है कल्याणी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। जो अलीगढ़ है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो वो किस चीज के लिए फेमस है या कौन से वर्क के लिए, कौन सी कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि लॉक्स, लॉक्स के लिए फेमस माना जाता है अलीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इंडियन नेशनल ट्री, फिकस बेंगालिनिसिस, फिकस बेंगालिनिसिस। तो यहां पर एक सबसे कॉमन चीज, यहाँ पर सबसे पहले तो ये दे रखी है कि हमारा नेशनल ट्री जो हमें फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ये चीज बता दी जाती है, तो बेनियन ट्री हमारा नेशनल ट्री है, बट कभी कभार साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नेशनल ट्री, तो चलो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट बता दिया नेशनल ट्री के बारे में, अगर ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पे फिकस बेंगालिनिसिस किसका नाम है, तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो साइंटिफिक नेम हो, चाहे वो किसी भी बीमारी, क्योंकि कई बार बीमारी जो हमारे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स है, वहां पे जितनी भी हमारी इलनेस होती है उनसे रिलेटेड भी हमें साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि बेनियन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड्स ऑन कंट्री स्लोगन इज बीइंग यूज्ड बाय विच साउथ इंडियन स्टेट टू प्रमोट इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। गॉड्स ऑन कंट्री, यानी कि भगवान का देश या भगवान का अपना देश जो नारा है, वो दक्षिणी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा लगाया जाता है अपने पर्यटन, जो पर्यटक उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए। तो कौन से राज्य में ये चीज होती है, और वो हमारा साउथ इंडियन स्टेट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए वन इज करेक्ट आंसर, केरला में ये नारा बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जत्रा इज द पॉपुलर फोक थिएटर ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो जत्रा है काफी पॉपुलर फोक थिएटर है हमारी कौन से राज्य का? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि वेस्ट बंगाल का पॉपुलर फोक थिएटर है जत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स द एशिया फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो अलग होता है एशिया से, तो या एशिया को अलग करता है कौन से कॉन्टिनेंट से? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी एन एस करेक्ट आंसर, नॉर्थ अमेरिका को, या नॉर्थ अमेरिका से विभाजित करता है, अलग करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो हमारे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से रिवाइज रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन
was formerly known as Pleasant Island, जो पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत महासागर, वहां पर एक आइलैंड है जिसे प्लीजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नौरू, सेकंड ऑप्शन है ताइवान, थर्ड ऑप्शन है तुवालू एंड लास्ट वन इज वनुआतु। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि नौरू। नौरू इज द प्लीजेंट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा इसका, ये हमारा बी वन इज करेक्ट आंसर, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है और काफी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली? जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, हमारी सेवन यूनियन टेरिटरी है, उनमें से जो दादरा एंड नगर हवेली है उसकी कैपिटल बतानी है, उसकी राजधानी बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर विच सिटी इज द ककरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? जो ककरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कौन से शहर के पास स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी वन इज करेक्ट आंसर, सूरत, यानी कि गुजरात के पास ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, द मल्टीपर्पज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर हमारा सरदार सरोवर बांध या प्रोजेक्ट बना हुआ है, और काफी टाइम लग गया था इस प्रोजेक्ट को बनाने में, काफी मेहनत काफी हार्ड वर्क लगा है इस चीज में। तो जो हमारे डैम से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के सामने कई क्वेश्चंस आए हैं और डांस रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस आए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ ज्यादातर यहाँ पर आप लोगों के सामने ज्योग्राफी से रिलेटेड मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मतलब सभी चीजों का जो मिक्सचर होता है वो चीज हमारे जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज रखना है। और यहाँ पर मैंने कुछ बताया था कि आपको डैम से रिलेटेड, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, ये सारी चीजें टिप्स पर लाना होना चाहिए। तो ये हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने पूछे जा सकते हैं अपकमिंग हमारे टीचिंग एग्जाम्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द टॉपिक अबाउट टीचिंग एग्जाम। आप लोगों के सामने नई जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रीजनिंग के एग्जाम यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, और वहां पर ये चीज आपको बताई जाएगी कि हमें सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, और वहां पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बताया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। सो कमिंग सून आप लोगों के सामने मैं कह सकती हूँ, जल्दी आएगी और सीरीज 3 होगी हमारी। तो तब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सो